बने जल मीनार से पानी सीवेज कर रहा है और पाइपों के बीच से भी पानी का बहाव जारी है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर शीघ्र ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जल मीनार को भारी क्षति पहुंचने की संभावना जताई गई। हमारा फोटो मोड उठाओ जी, ट्रिब्यून तो झुका ही था जी, सर फोटो थोड़ी है, क्या स्थिति है इसका? चार पांच दिन मैंने पहले बनाया, लेकिन मैंने टंकी का मैंने शिकायत हो रहा है। क्या हो रहा है टंकी में, क्या हो रहा है? पूरा टपक टपक पानी गिर रहा है। अच्छा, नल वल सब लगाया गया है? नहीं। शिकायत किया था आप लोग? वायरिंग नहीं हुआ है, वायरिंग में भी वहाँ पर बनाया नहीं। हम लोग शिकायत भी किया था बनाने का टाइम में तो बोला था हम लोग ठीक से बनाओ, ठेकेदार से ऑब्जेक्शन भी किया था। उसके बाद बना तो कंप्लीट तो किया, नल तो नहीं लगाया, अभी तो पानी टपक टपक गिर रहा है। उसके बाद वह मोटर भी लगाया हुआ है, वह भी पूरा बंद नहीं हुआ है, और उन लोग को बना के चले गया। हम लोग मुखिया को भी बोला था, और पानी का जो नल निकलता है वाला भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कितना दिन चलेगा ये टंकी? ये टंकी कम से कम 2-3 महीने चलेगा। कितना दिन पहले कंप्लीट हुआ? कम से कम वो 2 हफ्ता हो गया। जमशेदपुर के सुंदर नगर अंतर्गत पूरी हांसा गांव में बीते दिनों पुलिस और पब्लिक के बीच हुई झड़प के मामले में कई निर्दोष लोगों का नाम एक साजिश के तहत डाला गया। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश हांसदा वरीय पुलिस अधीक्षक अनुप वीरथरे से मिले एवं मामले का निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और निर्दोष लोगों का नाम हटाने की अपील की। रमेश हांसदा ने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस और जनता के बीच जो अविश्वास बढ़ा है उसे एक आपसी बैठक कर खत्म किया जाना चाहिए। घटना के संबंध में बता दें कि बीते दिनों मानसिक रूप से पीड़ित महिला रोगी को पुलिस द्वारा थाने लाने के क्रम में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई थी। दिनों जो सुंदर नगर थाना के अंतर्गत पुड़ियासा गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच एक मानसिक रूप से बीमार महिला को लेकर के जो झड़पें हुई थी, उसी के बातों को लेकर के हम लोग SSP साहब से मिलने आए। इसमें उस महिला को लाने के दरमियान में हल्की झड़प हुई थी, इसमें कई निर्दोष लोगों का नाम वहाँ साजिश के तहत डाल दिया गया है ताकि उनका अपना ये पूरा हो। उसी के लिए हम लोग सीधे साहब से कहा है कि ये जो पुलिस और ग्रामीणों के बीच अविश्वसनीयता के प्रति अविश्वसनीयता होने के चलते जो झड़प हुआ है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करने के चलते, उसको दूर किया जाए। और हम लोगों ने कहा कि निर्दोष लोग का नाम तो हटाया जाए और उसका सही जाँच किया जाए और पुलिस पब्लिक के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए बैठक का आयोजन किया जाए ताकि पब्लिक और पुलिस एक दूसरे को समझ सके और ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे। इस बात को सीनियर साहब ने कहा कि इसकी गहन जांच होगी, उसी के बाद ही कोई भी कार्रवाई करेंगे और जल्द ही उन्होंने आश्वासन दिया कि गांव में पुलिस और पब्लिक की मीटिंग कराएंगे। कहाँ आपके मामला है? ये पुड़ी हसा सुंदर नगर थाना। बातचीत हुआ आप लोगों ने? हाँ।